ना हमारी बॉडी में एलर्जी बहुत सारे कारण की वजह से होता है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है, जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आपके बॉडी में एलर्जी के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। इसीलिए आज हम एलर्जी पे ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जो आपकी एलर्जी की सारी प्रॉब्लम्स पे काम करता है। बट इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम एक बेसिक चीज समझते हैं कि एलर्जी होता क्या है। एक सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। अब जैसे मुझे धूल से एलर्जी है, जब भी धूल नाक के पास आता है तो छींक आ जाती है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एलर्जी। कभी भी हमारी बॉडी पे जब कोई चीज हमारी बॉडी पे अटैक करती है, बॉडी उसको देखता है कि अरे ये चीज क्या जानी पहचानी है, ये चीज कोई नई तो नहीं है, तो बॉडी उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स देता है कोई किसी भी चीज में। अलग अलग तरीकों से एलर्जी हो सकती है। आपने कुछ खाना खाया जिससे आपको एलर्जी है, जैसे कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, सिंगदाना जो होता है उससे एलर्जी होती है। कभी आपने कोई मेडिसिन खाया बॉडी से, उसको एलर्जी हो सकती है। हमारी बॉडी में जाने के तीन रास्ते हैं, मैंने हमेशा बताया, एक आपकी नाक से कुछ चीज जा सकती है, एक आपकी आंख से, और एक आपके मुंह से। अगर आपके नाक और लंग्स के थ्रू अगर हमारी बॉडी में कुछ जाता है तो भी हमारी बॉडी में एलर्जीज देखा जाता है। और कुछ लोगों को कभी आपने देखा होगा स्किन पे कोई चीज लग जाती है, जैसे मुझे मेटल से एलर्जी, कोई भी अगर मेटल वाली चीज मेरे स्किन पे टच होती है तो मुझे उससे रिएक्शन हो जाता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कुछ कीड़े वगैरह बॉडी पे चल जाते हैं तो उस टाइम पे भी बॉडी में स्किन एलर्जी देखी जाती है। तो कारण बहुत सारे, लेकिन बात करें होता क्या है एलर्जी में, आज ये समझते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको एक चीज अभी मैं दिखा रही हूँ, साइड में एक यहाँ पे आपको आप जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे एक मास्ट सेल है। ये मास्ट सेल पे जैसे कोई चीज अटैक करती है, जैसे आपकी बॉडी के पास एक पावर है, जब आपकी बॉडी पे कोई चीज अटैक करता है, हमला करता है, तो बॉडी उसको पहले पहचानता है, क्या ये जानी पहचानी चीज है? अगर जानी पहचानी होती है एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर जानी पहचानी नहीं होती है तो बॉडी उस पर रिएक्ट करता है। किस तरीके से, ये आप देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे एक फोटो है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये फोटो है एक मास्ट सेल की, ये गेट कीपर जैसे काम करते हैं। जैसे इस पे कोई चीज अटैक करती है, देखते हैं अरे ये तो जानी पहचानी नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी पे आ रही है, ये क्या करता है? बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है। और जैसे ये फूटता है तो आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, लाल लाल जैसी चीजें निकल रही है, उस चीज को हम कहते हैं हिस्टामाइन। ये जो हिस्टामाइन होता है उसकी वजह से बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। धूल नाक के पास गया, जैसे धूल गया आपको ये हिस्टामाइन रिलीज हुआ, आपको छींक आने लगी, ये क्या है? ये सब एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। बात करें एलर्जी के बारे में तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या देखे जाते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों की नाक जो होती है वो बहुत लाल हो जाती है, या नाक में इरिटेशन होने लगता है, स्किन पे आपको इरिटेशन होने लगती है, या आपकी स्किन, आपने देखा होगा कभी कोई चीज स्किन पे टच कर जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, तो वो जो स्किन होती है वहां पे लाल हो जाती है। बहुत सारे केसेस में पैरों में एडिमा की प्रॉब्लम या स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, पानी भी जमना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कभी धूल वगैरह से जिनको एलर्जी है, कभी घर में साफ सफाई कर लिया तो नाक से पानी आने लगता है, नाक बहने लगती है, आपको बहुत ज्यादा सर्दी जैसा महसूस होता है। ये सब आपके सिम्टम्स हैं जो आपके बॉडी में हल्की फुल्की एलर्जीज देखी जाती है। हम सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में महसूस जरूर किया होगा। आंखों में कभी कोई चीज चली जाती है तो आप देखते हैं आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो चीज गई, मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ, हिस्टामाइन रिलीज हुआ और आपकी आंखें जो होती है रेड होने लगती है। तो ये सब एलर्जीज कहीं ना कहीं शो करते हैं। आपकी इम्यूनिटी भी कम होने लगती है। याद रखिएगा, आपकी इम्यूनिटी का भी एलर्जी पे बहुत बड़ा रिया, वो आपका एक रिलेशन है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको एलर्जीज वगैरह ये सब जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा भी देखी जाती है। और अब बात करें हमारा बॉडी जो है वो एलर्जी से डील कैसे करता है। जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, ये हमारा मास्ट सेल है। जैसे इस मास्ट सेल पे कोई चीज हमला करती है, रेड रेड जैसी चीज आपने देखी, ये है हिस्टामाइन जो वो फूटता है और निकलता है। अब बॉडी क्या करता है, कुछ तरीकों से हम एलर्जी से डील कर सकते हैं। पहला तरीका, या तो ये हिस्टामाइन जो है वो फूटे ही ना, बर्स्ट ही ना करे। बर्स्ट नहीं करेगा तो हिस्टामाइन नहीं निकलेगा। नल अगर टूट गया तो पानी निकल रहा है, अगर हम नल को टूटने से बचा लेंगे तो पानी निकलने से भी बचा लेंगे। दूसरी चीज, जो हिस्टामाइन निकला हुआ है उसको हम यूटिलाइज कर दें, बॉडी से बाहर निकाल दें। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है, किसी में ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी में कम टाइम लग सकता है। तीसरी चीज, बॉडी की इम्यूनिटी को अगर हम बढ़ा दें, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको अगर हम बढ़ा दें तो भी हम एलर्जी से डील कर सकते हैं। और कभी कभी
जिस चीज से एलर्जी है उसके छोटे छोटे डोजेस जैसे आपको दिए जाते हैं, ताकि बॉडी को जब एक ही चीज बार 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 मिलती है तो बॉडी कहीं ना कहीं उसके लिए प्रिपेयर होने लगती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एलर्जी से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट की दवाइयां इस पे कैसे काम करती हैं, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में कोई इस पे मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है। मार्केट में नॉर्मली एंटी हिस्टामाइन दिया जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा था बॉडी में तो हमने क्या डाला था, एंटी ऑक्सीडेंट डाला था। बॉडी में अगर हिस्टामाइन निकल रहा है, ऐसी चीज निकल रही है जिससे आपको एलर्जी हो रही है, तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो हमें हिस्टामाइन जो निकल रहा है उससे लड़ने में मदद करे। लेकिन जब एलर्जी स्टार्ट हो जाती है तो हम मार्केट की दवाइयां हम खाते हैं। दूसरी चीज, मार्केट की दवाइयां क्या करती हैं, जो एलर्जी में जो हिस्टामाइन निकला है आपके शरीर में, वो जो फूटा है और वो जो चीज निकली है, उसको ही न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। मतलब सिंपल भाषा में, नल टूट गया, पानी निकल रहा है, पानी को ही साफ करने का काम करता है, वो नल को रिपेयर नहीं करता है या नल को टूटने से नहीं बचाता है। और मार्केट की दवाइयां क्या करती हैं, मार्केट की दवाइयां अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो वो आपको नींद भी आती है बहुत ज्यादा, आपको सुस्ती महसूस होती है, आप उतना और बहुत टाइम लग जाता है आपकी एलर्जी से एलर्जी को ठीक करने में। और बहुत सारी मार्केट की दवाइयां जब आप लंबे समय तक लेते हैं तो नाक बहुत ड्राई हो जाते हैं, आपका गला ड्राई हो जाता है, कुछ लोगों को हमेशा गले में खराश रहती है या नाक जाम हो जाता है, दिमाग उतना अच्छा से काम नहीं करता। ऐसे लोग जो ज्यादा ये दवाइयों पे डिपेंड करते हैं उनको एनर्जी फील नहीं होती है, हमेशा नींद आती है, या मतलब दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा या काम करने में मन नहीं लग रहा, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। और मोस्टली एंटी जो एलर्जी की जो दवाइयां हैं, दवाइयों के साथ बहुत सारे केसेस में आपको विटामिन्स भी दिया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट भी दिया जाता है। इस जो दवाइयां दी जाती हैं विटामिन वगैरह की, आप ये विटामिन खा लीजिए, विटामिन सी खा लीजिए, इसका आपके एलर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। ना तो ये आपको एलर्जी में किसी तरीके से हेल्प करता है, ये बस एक ही चीज करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो मार्केट में इस तरीके से आपकी एलर्जी से डील किया जाता है। बात करें मार्केट की जो दवाइयां हैं वो आपका, जैसे मैंने बताया, हिस्टामाइन से आपका जो हिस्टामाइन है उस पे ही काम करती हैं जो निकल चुका है। बच्चों को हम मार्केट की बहुत सारी ऐसी दवाइयां, अगर ऐसी कोई एलर्जी बच्चों में हो जाती है तो हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट मार्केट की बहुत सारी मेडिसिन को नहीं ले पाते हैं। इसीलिए अगर बात करें एलिमेंट्स वेलनेस का इस पे क्या अप्रोच है, आपको पता है एलिमेंट्स वेलनेस जो है वो हमारे आयुर्वेद पे बेस्ड है, और आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव तरीके हैं जो नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट किए आपके इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। दूसरी चीज, आप सबको पता है आयुर्वेद में बहुत जड़ी बूटियां हैं, और हमारा जो इंडिया है इससे ब्लेस्ड है। मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स जड़ी बूटियां हैं, और खासकर ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाता है। और क्या करता है, आपका जो वो मास्ट सेल याद है जो फूट जाता था, उसको फूटने से ही बंद कर देता है, मतलब उसको फूटने उतना नहीं देता है। नल जब टूटेगा नहीं तो पानी निकलेगा नहीं, पानी निकलेगा नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब मास्ट सेल को फूटने से रोकता है। इसमें हमने बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां भी डाली हैं जो क्या करता है, जो हिस्टामाइन निकल चुका है, अगर कोई मास्ट सेल फूट चुका है उसका हिस्टामाइन निकल चुका है तो बॉडी से उसको फ्लश आउट करता है। आपने अगर कोई खाना खाया, खाना अगर अच्छे से पचेगा नहीं तो बॉडी उसको अच्छे से ले नहीं पाएगा। तो जो आपने खाना खाया वो आपका बॉडी अच्छे से पचाता है, आपके हर एक ऑर्गन तक पहुंचाता है, उससे जो एनर्जी मिल रही है, सारा जो प्रोसेस आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छा रखता है, और लास्ट में डायूरेसिस का काम करता है। डायूरेसिस का मतलब क्या है, डायूरेसिस का मतलब आपके यूरिन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो भी ये टॉक्सिक चीजें हैं या जो भी ऐसा कोई हिस्टामाइन है वो आपके यूरिन के रास्ते से भी बॉडी से बाहर निकल जाए। आयुर्वेद में बोला जाता है, एलिमेंट्स वेलनेस की अगर बात करें, हमारे हर एक प्रोडक्ट में, आपको पता है हमारे हर एक प्रोडक्ट में जो हर्ब्स डाले गए हैं वो सारे जो हर्ब्स है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट हार्ट पे बनाया तो उसमें वही सारे हर्ब्स है जो डायरेक्टली आपके अच्छे रिजल्ट हार्ट पे देते हैं। अगर एंटी एलर्जी की बात करें तो उसमें जो भी हर्ब्स है वो पर्टिकुलरली आपके एलर्जिक जो रिएक्शन हो रहे हैं या एलर्जी जो हमारी स्किन से रिलेटेड है उस पे ही काम करता है। और अगर लास्ट में बात करें, इसमें जो हर्ब्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, बीमारियों से लड़ने की ताकत तो बढ़ाता ही है, प्लस आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे सांस लेने से भी तो अंदर जाती हैं, तो आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े, उसको मजबूत करता है, और आपका जो विंड पाइप जिससे हवा जा रही है उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है। तो बात करें
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, हमारी कंपनी के पास एलर्जीज के ऊपर 3 प्रोडक्ट है। अगर आपको सांस लेने में एलर्जी हो रही है, जिसके बारे में हमने आयुष्वास में फुल इन्फॉर्मेशन ली थी, तो आप आयुष्वास लीजिए। अगर आपको खांसी हो रही है, कभी कभी होता है खांसी वगैरह हो जाती है, तो आपको एंटी एलर्जी लेना है। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हुई है तो जाकर आपको एंटी एलर्जी लेना है। तो ये 3 प्रोडक्ट अब हमारे एलर्जी के ऊपर है। अभी हमारे पास एक एंटायर रेंज एलर्जी के ऊपर आ चुका है। अब बात करें इसमें जो आयुष्वास और एंटी एलर्जी है, ये आपको खाली पेट लेना है। तो मैंने हमेशा से आपको बताया 3 प्रोडक्ट खाली पेट लेना है, आयुष्वास, एंटी एलर्जी और थायर, इन्हीं 3 को खाली पेट लेना है। बात करें हमारा जो एंटी एलर्जी का ये जो प्रोडक्ट है, ये एक एक्सीलेंट तरीका है जो आपके एलर्जी पे हेल्प करता है। लेकिन आपको बताया हमने इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स डाले हैं जो आपके एलर्जी के ऊपर ही काम करता है। आज थोड़े हर्ब्स के ऊपर हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमने इसमें मंजिस्टा डाला है और जो खादर, ये 2 चीजें जो है वो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब बॉडी में जो टॉक्सिक चीजें जमी हुई है, टॉक्सिन जमी हुई, उसको बाहर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, आपने जो खाना लिया, खाना हमारे बॉडी में गया, पचा, बॉडी के हर एक भाग तक पहुंचा, उसका अच्छे से एनर्जी बना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम कई सिंपल भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर हम मंजिस्टा की बात करें तो मंजिस्टा के पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से हमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उससे लड़ने में मदद करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब इन्फेक्शन वगैरह या कुछ हो जाता है स्किन पे, एलर्जी खासकर, तो वहां पे खुजली बहुत ज्यादा होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। और कुछ लोग जब उसको बहुत ज्यादा इचिंग कर देते तो एरिया और लाल हो जाता है, तो हमें वो इचिंग से बचाता है। अगर स्किन पे कोई रैशेज हो गए, एलर्जी हो गई, उससे बचाता है। और सूजन अगर हुआ है उससे भी हमें बचाता है। खादर जो है, खादर बहुत सालों से आपके स्किन जो रिलेटेड बीमारियां हैं उससे होने से बचाता है। और खादर एक ऐसा एक हर्ब माना जाता है जिसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स माने जाते हैं। और इसका जो पूरा पेड़ होता है ना खादर का, वो पूरा पेड़ ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम आगे बात करेंगे और कौन कौन से हर्ब है इसमें। सरिवा एंड शुद्ध गारिका, ये 2 ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, आपकी जो स्किन एलर्जी है उसको होने से रोकता है, और जो अगर स्किन एलर्जी हुई है उसको हटाने में मदद करता है। लेकिन अगर हम सरिवा की बात करें, ये एक ऐसा हर्ब है जिसको एक पेट नेम जैसा आप कह सकते हैं, एक छोटा नाम दिया गया है, इसको हम हीलिंग हर्ब भी कहते हैं आयुर्वेद में। मतलब एक ऐसा हर्ब जो बहुत सारी प्रॉब्लम में काम करता है, जैसे अगर किसी को गाउट, गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, या स्किन डिजीजेस पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। और एक बहुत अच्छा ये ब्लड प्योरिफायर जैसा भी काम करता है, आपके खून को भी साफ करने में बहुत मदद करता है। ये जो शुद्ध गारिका आप देख रहे हैं, ये काम करता है, जैसे अभी आपने अगर याद रखा होगा 2 स्लाइड पहले मैंने बताया था कि ये हमारे जो हर्ब्स है वो डाई यूरेसिस में भी मदद करते हैं, मतलब यूरिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। उस चीज में शुद्ध गारिका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ये आपके यूरिन को बढ़ाने में मदद करता है, और अगर स्किन और आई से कोई रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है उससे भी हेल्प करता है। आप देख रहे हैं हमारे जो भी प्रोडक्ट डाले गए, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट में डाले गए ना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स का एक ही एम है, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने का। अब हम बात करेंगे जो निम्बा है, निम्बा जो है वो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स पे काम करता है, बॉडी से टॉक्सिक चीजें बाहर निकालता है। देखिए आयुर्वेद में एक चीज बोली जाती है कि हमारा बॉडी 2-3 तरीके से चीजों को बाहर निकालता है। जैसा अगर आपको याद होगा डेली डिटॉक्स में मैंने एक स्किल का फॉर्मूला दिया था कि कुछ चीजें आपके स्किन से बाहर निकलती है, कुछ लिवर हो गया, किडनी हो गया, आते इंटेस्टाइन हो गया, बहुत तरीके से निकलता है। जब हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता तो कचरा जमने लगता है, तो बॉडी स्किन का रास्ता लास्ट में यूज करता है जिससे वो बॉडी से बाहर करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और कभी अगर किसी को कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, कीड़े मकोड़े ने काट लिया, तो बॉडी में जो एलर्जी हो जाती है, स्किन पे एलर्जी हो जाती है, उसमें निम्बा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और निम्बा की एक खास प्रॉपर्टी क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो अगर किसी को इसकी वजह से भी स्किन एलर्जी हुई है तो उस पर भी काम करता है। जो हमारा अमरा और पद्मक के एक्चुअली जो वुड होता है उसके जो लकड़ी होती है वो यूज किया जाता है, और अमरा के लीफ यूज किए जाते हैं, ये भी एक स्किन प्रोटेक्टेंट जैसा काम करता है।
और जो आपका ये पद्मक है ना, ये आयुर्वेदा आयुर्वेदा के साइंस में बहुत हजारों सालों से स्किन डिजीजेस पे काम करता है। और पद्मक को एक चीज में और बहुत यूजफुल बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी अच्छा करता है, आपके स्किन के कलर को भी अच्छा करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी हमने हर्ब्स डाले हैं ना, ये सारे हर्ब्स बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो हरिद्रा है, जिसको हम अपने घर में भी यूज करते हैं, जिसको हम हल्दी भी कहते हैं, ये जो हरिद्रा है ये तो ट्रेडिशनल, अगर बात करें ट्रेडिशनल टाइम से, बहुत पहले के टाइम से इसको यूज किया जा रहा है। एंटी एलर्जिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। बहुत सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स का एक ही काम है, आपके जो भी एलर्जिक के वजह से जो भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहा है, सब चीजों पे काम करता है। इसीलिए एक नॉवल फॉर्मूला बनाया गया जो मल्टीपल तरीके से हमारी बॉडी पे काम करता है। इसको लेना कैसे, सबसे पहले इसको आपको दिन में खाली पेट 2 बार लेना है। मैंने पहले बताया 3 प्रोडक्ट ही खाली पेट लेने हैं। सुबह उठे 3 चम्मच इसका लिया, या तो आप 3 चम्मच एक कप में निकालिए, उसमें उतने लेवल में पानी डालिए, इक्वल मात्रा में पानी डालिए, और उसको आपने सुबह खाली पेट ले लिया। 25-30 मिनट के बाद आप अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और रात में डिनर के 25 लगभग आधे घंटे पहले आप फिर से 3 चम्मच इसका ले सकते हैं। 10 साल के ऊपर के बच्चों को देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है। क्या ख्याल रखना है, सबसे पहले इट इज सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के लिए आप दे सकते हैं, इसमें शुगर कंटेंट कम है। हमारा जो भी प्रोडक्ट अपना एलिमेंट्स वेलनेस का है, वो सारा प्रोडक्ट डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है। तो अपना कोई भी एलिमेंट्स वेलनेस का जो प्रोडक्ट है, आप डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर को हमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। अब किसी को अगर स्किन एलर्जी हो गई है तो आपको मिनिमम मैक्सिमम कितने महीने तक लेना है, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आपको स्टॉप कर देना है। अगर कभी ऐसा हो कि किसी को थोड़ी बहुत एलर्जी हुई है और सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट, अगर थोड़ा सा भी एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो आप उसको इमीडिएट लेना, इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करिए, और 2 वीक के बाद आपको फिर से स्टॉप कर देना है। अगर आपकी प्रॉब्लम सबसाइड नहीं हो रही है, आपने 2-3 महीने तक भी ले लिया, नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो आप अब एक अच्छे स्किन डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप जा सकते हैं, वो आपको एक अच्छा सोल्यूशन देंगे। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, आपको खांसी होती है, आप कफनेल लेते हो, खांसी ठीक हो जाती है तो आप कफनेल बंद कर देते हो। तो जैसे अगर आपको हल्का माइनर कुछ एलर्जी हुआ है, तो आपने 1-2 हफ्ते लिया और 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आ गया, स्टॉप कर दीजिए। जरूरी नहीं है इसको लगातार लेने का। अगर किसी को थोड़ी एलर्जी की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप 2-3 महीने तक लगातार ले सकते हैं, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, 100% सेफ प्रोडक्ट है। तो ये हमारी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है, माइडोफ्रेंड एंटी एलर्जी, जो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी की हर एक एलर्जीज पे ये काम करता है। अब बात करें हमारे कुछ एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज हमारा क्या है, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो API के रेफरेंस में बनाए गए। API जो ये आप बुक देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री प्रिंट करवाती है, और जो भी प्रोडक्ट है इसके रेफरेंस में ही बनाए जाते हैं। इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट पे API/IH as applicable, मतलब आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया, और इन हाउस फॉर्मुलेशन है हमारे खुद के कुछ, उसको यूज करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया। नारायणा सर इसके कमिटी मेंबर रह चुके हैं, इसीलिए नारायणा सर को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, और उसके बेसिस पे ही हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। दूसरी चीज, पार्ट ऑफ हर्ब यूज, हमने हर एक प्रोडक्ट में कौन से जड़ी बूटी का कौन सा पार्ट डाला है, वो भी हमने अपने प्रोडक्ट पे मेंशन किया है। जैसा मैंने आपको बताया, पद्मक में उसके रूट्स हैं, अमरा में उसका लीफ है, मतलब एवरी हर्ब हैज गॉट 41 पार्ट्स, हर एक जड़ी बूटी के लगभग 41 पार्ट्स होते हैं। तो अगर मुझे जिसका पत्ता डालना है, मैं उसका रूट्स डाल दूं, जड़ डाल दूं, तो प्रोडक्ट वैसा काम नहीं करेगा। इसीलिए हर एक प्रोडक्ट में कौन सा हर्ब, उसका कौन सा पार्ट, कितनी मात्रा में, ये हर एक चीज हमने अपने प्रोडक्ट में लिखा है। तो बहुत ही बेसिक डिटेल्स भी हमने अपने एक बॉक्स पे लिखे हैं। दूसरी चीज, हर एक बैच की क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग होती है, हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, ऐसी हर एक हर्ब का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। ये बात करें, ये एक आप ये कह सकते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी एक प्रोसेस होता है, जिससे ये फिंगरप्रिंटिंग है। जैसे आज से 5 साल पहले हमने एक फिंगरप्रिंट लिया, और अभी हमने कोई प्रोडक्ट बनाया उसका एक फिंगरप्रिंट लिया, दोनों को मैच किया जाता है। जब तक ये आसपास नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, तब तक किसी प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज नहीं किया जाता। इसका मतलब आज जो प्रोडक्ट लिया उसका टेस्ट, क्वालिटी, इफेक्ट वो वैसा ही होगा जैसे 10 साल पहले काम करता था। इसीलिए हमारे हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग होती है। ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर होता है, हर कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, 10 में से 1 या 2 कंपनी ही इसको कर पाती है। यही हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है, हमारी कंपनी एक एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। हर एक प्रोडक्ट में हमने नॉवल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। हर एक प्रोडक्ट,
अगर हमने कोई एलर्जी के ऊपर प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो एलर्जी के ऊपर ही काम करते हैं। मार्केट में अगर बात करें ऐसे नॉवेल कॉम्बिनेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत सारे, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, बट बहुत कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल दिया जाता है जिसकी शायद उसमें जरूरत भी नहीं है। हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पर्टिकुलरली उसी टॉपिक पे, उसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट में हमने नॉवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। बात करेंगे, अभी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए, अभी ऑन एंड ऑन से लेकर मल्टीगार्ड ब्रेड प्योरीफायर डेली टॉक्स, वो सारे प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद हमने ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट देखे जो आपके किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, आयरन की कमी है, एलर्जी है, थायराइड का इश्यू है, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखे। अभी हमारे विमेन कंपेनियन, मेल्ट फैट, न्यूट्रीलाइफ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आने वाले। बात करें जिन्होंने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी आने वाली ट्रेनिंग्स में भी मिलने वाली है। और तीन तरीके के कस्टमर आपको मार्केट में मिलेंगे, ए बी सी। मैं ये पॉइंट पे क्यों इतना बार बार फोकस करती हूँ माय फ्रेंड, बिकॉज हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स ना हमेशा पेशेंट को ही ढूंढते रहते हैं। आपका जो मार्केट है वो ए एंड बी का है, जो लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बी हल्के बीमार हो चुके हैं या थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, उनको ही जाना है। प्लीज क्रिटिकल पेशेंट में हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। प्लीज क्रिटिकल पेशेंट मत ढूंढिए, आईसीयू में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, फोर स्टेज कैंसर है, लिवर पूरा डैमेज हो गया है, डायलिसिस हो रहा है, हमें सीरियस केसेस में हमें नहीं जाना है। वो हमारा मार्केट है, उसके लिए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत चीप रेट में कुछ लोग कुछ ई कॉमर्स साइट या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं। प्लीज वहां से कोई आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करना है, कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं देती है। दे माइट बी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, एक्सपायर्ड हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं। आपको जब भी कोई भी प्रोडक्ट अपने MI Lifestyle का लेना है तो आपको हमेशा इंडिया शॉपिंग के आउटलेट से ही लेना है। और जब जिन्होंने भी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है, जिन्होंने बताया है, आप उनसे ही ये प्रोडक्ट लीजिए, बिकॉज वो आपको ऑथेंटिक जगह बताएंगे, अच्छी जगह बताएंगे, क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको पता है ये जो प्रोडक्ट्स है वो आपको कहां से मिलेंगे। बात करें, अब हम एक दो चार मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए अभी हम एक पोल स्टार्ट करेंगे। इस पोल पे आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको यस और नो, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी पढ़कर बताऊंगी कौन से क्वेश्चन है, तो वो पोल के थ्रू आपको क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। ये हमें प्रोडक्ट को और भी बेहतर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को और भी बेहतर बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि यही एक तरीका है जहां से आपका सुझाव, आपकी जो चीजें हैं वो हम ले सकते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक पोल स्टार्ट होगा। देखिए पोल में कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आर यू अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ MI Lifestyle? उसमें दो ऑप्शन है, यस और नो। क्या आप MI Lifestyle के डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अगर है तो यस पे क्लिक करिए, अगर आप अभी तक नहीं बने हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यस और नो। दूसरा है, इज दिस योर फर्स्ट ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग? क्या ये आपकी पहली ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग है? अगर आप पहली बार इसको अटेंड कर रहे हैं, यस पे क्लिक करिए। अगर आपने अभी आपने सारे हमारे सीरीज अभी तक देखे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स यू हैव अटेंडेड इन दिस सीरीज? आपने अभी तक कितनी ऑनलाइन ट्रेनिंग करी है, इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है लेस देन 4, मतलब 4 से कम अभी तक करी है, या 5 से 8, या मतलब अभी आपने 5 से ज्यादा की है तो आप 5 से 8 के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये तीन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, क्या आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यस और नो, आपने पहली ये आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग है या इसके पहले भी आपने की है, और दूसरी चीज, आपने अभी तक कितनी ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी की है अटेंड। इससे हमें आपका एक आइडिया मिलेगा कि इसको हम और भी कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम और क्या कर सकते हैं। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ जूम पे कनेक्टेड हैं, आप सबको ये रिस्पॉन्स हमें जरूर देना है, इससे हमें प्रॉपर एक इंडिकेशन मिलेगा। लगभग आज हमारे साथ कम से कम 1000 लोग आज जूम पे कनेक्टेड है, तो मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं बस आपको अपने स्क्रीन पे क्लिक करना है। पहला क्वेश्चन, क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यस और नो। दूसरी चीज, आपकी पहली ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग है, यस और नो, आपको उस पर क्लिक करना है। और तीसरा, अभी तक आपने कितना किया है? अगर अभी आपने बस 4 से कम किया है तो आप उस पर करिए, पहला जो ऑप्शन है, और अगर उससे ज्यादा किया है तो आपको दूसरा ऑप्शन करना है। ये सब आप करते रह सकते हैं। अभी हम अपना क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करेंगे, ये आपके स्क्रीन पे रहेगा, जिन्होंने नहीं किया वो जरूर इसको करें। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जो लोग हमसे जूम पे कनेक्टेड है वो अपने चैट सेक्शन में जाकर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी जूम पे कनेक्टेड है, चैट सेक्शन में जाइए और अपना क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं।
अगर किसी को बार बार छींक आ रही है तो ये भी एक सिम्टम है एलर्जी के, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, आप 2-3 हफ्ते लीजिए। अगर आपको और अगर रिजल्ट चाहिए तो आप मैक्सिमम 3 महीने के ले सकते हैं, 3 महीने के बाद आपको स्टॉप जरूर करना है। आयुष श्वास में भी यही चीजें अप्लाई होती हैं। पानी के साथ बिल्कुल मिलाकर ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया 3 चम्मच अगर आप इसका लिक्विड ले रहे हैं तो उसके साथ आप 3 चम्मच पानी मिलाकर आप सुबह शाम लेना है आपको। 95 बहुत सारे लोगों का कहना है कि 95 उसको भी खाली पेट लेना और इसको भी खाली पेट लेना है, तो अगर आप 95 ले रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले 95 ले लीजिए उसके बाद आप एंटी एलर्जी ले सकते हैं, या तो एंटी एलर्जी लीजिए 95 लीजिए, बट थोड़ा सा गैप दोनों के बीच में रखिए। या अगर आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए आपको ऐसा कर सकते हैं, जब आप एंटी एलर्जी ले रहे हैं तो 95 को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बना लीजिए, क्योंकि इसको 2-3 महीने लेना या 2-3 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड टाइम खाली पेट कैसे ले, मतलब डिनर के पहले आपको लेना है। अगर आपने 8 बजे डिनर करना है तो आप 7:30 बजे अपना ये 3 चम्मच आप ले सकते हैं। बिल्कुल आप एंटी एलर्जी लिवोकेन के साथ भी दे सकते हैं, एलिमेंट्स का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा गैप रखें। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्किन में एलर्जी है तो आप बिल्कुल स्किन में इचिंग होती है, खुजली होती है, तो आप बिल्कुल एंटी एलर्जी ले सकते हैं, उसके साथ कोई इशू नहीं है। एंटी एलर्जी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर बात करूं, एंटी एलर्जी खुद में ही बहुत अच्छी चीज है, अगर लेना भी है तो आप साथ में डिलीटॉक्स के साथ ले सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, एंटी एलर्जी जब आप ले रहे हैं तो हमारे जो 3 एलर्जीज के ऊपर जो प्रोडक्ट है, एंटी एलर्जी अपना कफनेल और अपना आयुष्वास, तीनों में से एक भी लेगी तो चलेगा। तीनों में से, ये नहीं कि तीनों ही साथ में स्टार्ट कर दिया या 2 साथ में ले रहे, तीनों अगर है तो आप एक भी लेंगे तो उसमें चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एक ही साथ काम करते, एक ही जैसा काम करते हैं। देखिये, लिवर सिरोसिस के प्रॉब्लम में हमें नहीं जाना, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, तो उस पार्ट में नहीं लेना है। Yes, अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी किसी भी पार्ट में अगर इचिंग है तो आप उसमें एंटी एलर्जी ले सकते हैं। थायराइड के पेशेंट को भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले अगर आप अपनी थायराइड की दवा ले लीजिए, अगर उनकी दवा चल रही है उसके 1 घंटे के बाद आपको थायराइड लेना है, उसकी थोड़ी देर के बाद आप 15 मिनट के बाद आप एंटी एलर्जी भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है वो 10 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है, तो प्लीज इसको 10 साल के ऊपर के बच्चों को ही दीजिए, छोटे बच्चों को हमें नहीं देना है। देखिए, अगर किसी को लिपोमा की प्रॉब्लम है या स्किन सोराइसिस का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सीरियस इश्यूज है, हमने उसमें नहीं जाना है, आप एक डॉक्टर को दिखाइए, और एज अ प्रिकॉशन अगर आपको लेना है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट करके आप उनसे ले सकते हैं। कवच प्राश के साथ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कवच प्राश भी बहुत सारी चीजों में काम करता है, तो उसके साथ ले सकते हैं। अपनी कंपनी का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं। खाने के आधे घंटे पहले मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप जो चीज अंदर डाल रहे हो थोड़ा सा उसको काम करने के लिए समय तो मिलना चाहिए। आप जब उसको डालेंगे थोड़ा देर वो अपना काम कर ले, उसके बाद आप खाना लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं खाना खाने के कुछ देर पहले आपको मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि उसको प्रॉपर एक टाइम मिले। ब्लड प्योरीफायर के साथ भी आप ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जरूरत है कि मैं कभी ये नहीं बोलती कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो अगर आपने एंटी एलर्जी लिया है तो मुझे नहीं लग रहा उस टाइम पे आपको ब्लड प्योरीफायर लेने की जरूरत है। आप एंटी एलर्जी ले रहे हैं तो ये भी, इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स है जो बॉडी को अंदर से खून को प्योरीफाई करते हैं, तो मतलब नहीं है, उसमें भी बहुत सारी सेम जड़ी बूटियां, तो ऐसा मतलब नहीं है लेने का। बिना डायल्यूट किए भी आप ले सकते हैं, कुछ लोगों का है कि इसको बिना डायल्यूट किए भी ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ऊपर से पानी पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा आज का ट्रेनिंग था जो आज हम यहीं खत्म करेंगे, कल इसी जगह पे फिर से मिलेंगे नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच, दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू।